हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये वाला लास्ट वाला व्लॉग यहीं से ख़त्म हुआ था, यहीं पे नया व्लॉग शुरू हो रहा है। एडिटिंग चल रही है, व्यू का मज़ा लिया जा रहा है। यार अभी तक तो विंडो सीट के मज़े लिए थे, बट ऑल दो अंधेरा था तो विंडो सीट का क्या ही फ़ायदा हुआ था। बट अभी यहाँ से विंडो सीट का फ़ायदा होता बट विंडो सीट नहीं है हमारे पास, सो नहीं मालूम कैसे क्या होगा। बाकी मेरे ख्याल से तो मुझे को बीच में जो सेंटर में रोज होती हैं वो मिली है, उनमें कोई सीट मिली है। बाकी अब देखो, अभी भी फ्लाइट में यार 4 घंटे हैं, 4.5 घंटे। यार अभी ड्यूटी फ्री से पापा से बात करके देखेंगे, अगर अलाउ करेंगे तो, या तो अगर बजट में कोई वॉच आती होगी तो वॉच, अदरवाइज़ एक परफ्यूम उठा लेंगे। बाकी हमारा क्राफ्ट उधर लग चुका है कनाडा का, 2 घंटे है अभी भी, 2 घंटे ही है ना। हाँ अभी भी 2 घंटे हैं। यह लाउंज से निकल के अपन 1 घंटा बचा है, 1 घंटे में हैव टू बाय सम चॉकलेट्स एज वेल, बट अभी एक बार इसका स्टेट क्राफ्ट का स्टेटस देख के देन आई विल गो। अगर क्राफ्ट लग गया होगा तो आई डोंट थिंक सो कि मैं जा पाऊँगा, बट एक बार क्राफ्ट का देख के क्या सीन है। गेट नंबर इज E34, E43 इज़ हियर, E42। सो अभी मैं भाई को बोल रहा था कि यहीं पर है, बट वी वर सेइंग ही डाउन स्टेयर्स ग्राउंड फ्लोर पे भी एक है, सो देखते हैं क्या है। अगर कुछ अच्छा मिला एक्सेप्ट चॉकलेट्स तो आई विल बाय इट, अदरवाइज नहीं। और रीज़नेबल में भी, और रीज़नेबल हुआ तो ही, लेट्स सी व्हाट आई विल बी बाइंग और व्हाट आई विल बी गेटिंग रीजनेबल वो है। यार मैंने ड्यूटी फ्री पे से 2 चॉकलेट्स और एक वो साचे का जो है परफ्यूम उठाया था, दैट वाज लाइक 48.50 सेंट्स यूरोज में, 48 यूरोज 55 सेंट्स थे शायद। एंड नाउ लेन बिल्कुल बीच वाली मिली है भाई, कसम से बीच वाली मिली है भाई। ना मैं इधर का बाहर का दिखा सकता, ना मैं उधर का बाहर। हाँ अगर ये ऐसी बाहर की मिली होती तो आई वुड हैव मैनेज ऑब्वियसली। बाकी भाई मेरी ना अभी फ्लाइट मेरे नाम की अनाउंसमेंट हो गई थी, तो जो बंदा था मेरे साथ वो अपनी जैकेट लेने लाउंज में वापस गया, लाउंज में, एंड वो वहाँ से सीधा बोर्ड पोर कर गया, एंड मैं वहाँ पे उसका वेट कर रहा था, तो मैंने कहा वहीं चला जाता हूँ, आई विल आस्क द मैनेजमेंट टू मेक एन अनाउंसमेंट ऑफ हिज नेम। मैं वहाँ गया, मैंने अनाउंसमेंट के लिए बोला तो देवर लाइक वो ऑलरेडी बोर्ड कर चुका है ना, लाइक शिट ब्रो वो बोर्ड कैसे कर गया। वापस अंदर आया तो यहाँ पे बीच वाली सीट पर देखते स्विस एयरलाइंस का, तो इतना ज़्यादा अच्छा वो था नहीं मेरा एक्सपीरियंस, एयर कनाडा का देखते हैं कैसा रहता। भाई मेरे को लगता था एयर इंडिया ही ऐसा सा है जिसके स्विचेस वगैरह खराब पड़े रहते हैं कुछ, ठीक है, बट ना इसका ये वाला पिन चल रहा, ना इसका नीचे वो जो प्लग पॉइंट होता है ना वो चल रहा। चलो चार्ज करूँ तो कहाँ करूँ, अभी तो मैंने इनसे परमिशन भी नहीं लिया, तो मैंने बिना परमिशन के जो है यहाँ पे इनकी सीट के सामने ही प्लग कर लिया USB से, ये बार परमिशन भी लेनी पड़ेगी इससे पहले, इससे पहले मतलब फ्लाई करने के बाद अगर कुछ चाहिए होगा तो आई हैव टू रिमूव दैट।
Excuse me, sir. Do you need things? Or should I use it? You could use it for now, but when I eat, like, yeah, no issue. Yeah, but now for now I can use it. Now. Yes. Thank you. ऑटोमेटिक टिंट हुआ है या क्या कुछ हुआ है और जैसे ही हम लोग ऊपर वहाँ से फ्लाई करके ऊपर आए ये थोड़े टिंट होने लग गए हैं बहुत सारे बहुत वैसे हैं प्रॉपर ब्लैकिश हुए हैं वाले को और सारे ब्लूइश में हैं इधर वाली साइड पे सारे जो हैं वो ब्लूइश में लग रहे हैं सो है कि इसका खाना वो वाला सिस्टम नहीं है शटर वाला नहीं है एयर कैनडा में ये और ये बहुत अच्छा लगा मेरे को ये चीज़ कि ऑटोमेटिक होता है या फिर कुछ चेंजेस खुद से करते हैं हसल फाइनली लैंडेड इन कैनेडा तो मेरी नींद की ऐसी तैसी हुई है ना अब पता चलेगा मेरे को कितनी ज़्यादा बैंड बजी है कितनी नहीं बजी है अभी तक तो मौसम अच्छा लग रहा है बाहर का अभी जब बाहर निकलेंगे हवा चलेगी तब पता चलेगा कैसा क्या है और सर हाउ वाज योर फ्लाइट टायरिंग एट लीस्ट यू स्लेप्ट फॉर फ्यू अ बिट आई डिडंट अ बिट आल्सो सो आई नो फॉर मी हाउ मच हसल इट वाज यह सारी चीज़ों से फ्री होके अपने ठिकाने भी पहुंच गए जो ये बीन भी था अभी मैं और हमारे कंबोज भाई जो हैं निकले हुए हैं थोड़ा सा वॉक पे इन्होंने आके पिक किया था और मैं बताऊंगा मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा बाकियों से मैं आराम से बैठ के इसके बारे में घर पे बैठ के आराम से बात करूंगा लेकिन भाई अभी जब गाड़ी से आ रहे थे भाई एक चीज़ जो डिसिप्लिन था ना भाई लेफ्ट में इतनी बड़ी लाइन बनी हुई थी लेफ्ट मुड़ने वालों के लिए इतनी बड़ी लाइन किसी ने ये जो रख नहीं करी कि फर्स्ट लेन से राइट लेन सेकंड लेन में घुस जाए भाई घूमते घूमते निकले थे सामने हमारा कॉलेज दिख गया ये आईमैक्स रहा भाई हवा चल रही है अभी तो यहाँ कुछ भी ठंड नहीं है अभी तक तो एक चीज़ अच्छी लगी कनाडा आ गए वो है यहाँ की गाड़ियाँ बस और कुछ अच्छा नहीं लगा अभी तक सिर्फ गाड़ियाँ अच्छी लगी हैं तूने देखी कितनी है और अभी तक मुझे तो अभी वेदर भी ठीक लग रहा है अभी तूने गाड़ी नहीं देखी है पुरानी
यार बाहर से अभी आ गए थे, घर पे बात हो गई सबसे, घर में जितनों से भी बात करनी थी सबसे बात हो गई, जितने उठे हुए होंगे अभी इस टाइम पे। एंड यार मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, हम लोग बोलते हैं हमारे इंडिया के जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो बहुत स्लो है, ठीक है, बट उससे ज़्यादा स्लो मैंने आज सिस्टम देखे टोटल। सो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, जहाँ लोगों को जो है आधा पौना घंटा लगा था, मेरे को वहाँ 2.5 घंटे लगे हैं, जस्ट फॉर वन रीज़न, दे आस्क फॉर लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, जो कि मेरे पास नहीं था। एंड जब मेरे पास वीज़ा आया, तो उसके बाद वीज़ा वॉज द लास्ट थिंग जिसकी मेरे पास मेल आई, उसका मेरे पास किसी भी चीज़ की मेल नहीं आई। जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन था वो 21st या 22nd नवंबर को इशू हुआ था, वो अपलोडेड था जो इनकी गवर्नमेंट वेबसाइट है उस पर, ठीक है। इन्होंने वो मांगा, मैंने बोला मेरे पास नहीं है। इन्होंने पहले घंटा सवा घंटा हमें बिठा के रखा, जिनके पास वो नहीं था उनको बुलाया, उसके बाद दे आस्ड कि अपने मेडिकल सर्वेलेंस का पेपर लेकर आओ, या मेडिकल सर्वेलेंस का, या एक और चीज़, अगर तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई चाहिए तो तुम बताओ ना कि हमें भाई ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए, कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं किया हुआ। आई शोड माई एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट जो वीज़ा वालों ने करवाया था, जो भी टेस्ट उसका नहीं एक्सेप्ट किया, मुझे नीचे, हम तीन लोग थे, हमें नीचे भेज दिया दूसरे काउंटर्स पे। भाई वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी लाइन में हैं, अब कोई और बंदा किसी और कंट्री से आ रहा है, सो देयर वर पीपल आई थिंक हु वर फ्रॉम अनदर कंट्री एंड वन फ्रॉम आई थिंक कोरिया और जापान, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उन लोगों को हमारे आगे घुसाया, हम जितने इंडियंस वाले थे, और हमारे से पहले उनका करके उनको भेज दिया, ठीक है, कोई नहीं। अब मेरे, जब मेरा नंबर आया, शी दैट लेडी, आई डोंट नो वो घर पे लड़कर आई थी क्या कर कर आई थी, आई डोंट नो, उसने पहले मेरे को बोला अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दिखाओ, ऑफर लेटर, मैंने दिखाया। फिर कहती कि जो आपने पेमेंट्स करी है और सारी चीज़ें करी है उसकी रिसीप्ट्स दिखाओ। मैं दिखाने लगा तो कहती नहीं, एक काम करो, ये छोड़ो, आप मेरे को ऑन द स्पॉट लॉग इन करो कॉलेज के पेज में और मेरे को दिखाओ कि वो आपका पेज है वहाँ पे, आपसे आपका लॉग इन हो रहा है, ठीक है। मैंने, मेरे पास लैपटॉप में ऑलरेडी लॉग इन था, ठीक है, तो मैंने कहा फ़ोन पे कई बार वो प्रॉब्लम देती है साइट, मैंने लैपटॉप लिया, मैंने कहा लैपटॉप चार्ज नहीं है, कहती वहाँ जाओ बैठो और चार्ज करो फिर दिखाओ, मैंने कहा आई कैन गिव इट अ ट्राई। उसके बाद उसने मेरे को बोला, वो करते करते जब मैं वो कर ही रहा था, तो उसके बीच में कहती है अपना मेरे को टाइम टेबल शो करो जो अपकमिंग सेमेस्टर है उसका। मैंने टाइम टेबल की फ़ोटो दिखाई, कहती नहीं, अपलो उस पे लॉग इन करो, अपनी प्रोफाइल पे जाओ और फिर टाइम टेबल दिखाओ। आई डोंट नो किससे लड़कर आई थी क्या कर कर आई थी, मेरे को एक धेले की नॉलेज नहीं है, बट मैं उसके हाथ पड़ गया और मेरा बहुत दिमाग खाया भाई उस औरत ने। लेकिन इन सब में चलो ठीक है, जितना टाइम लगा लगा, बट हाँ एक चीज़ जिसमें कम सबसे ज़्यादा टाइम लगता है लोगों को, सिन नंबर लेना, जिसके बेसिस पे तुम्हें पार्ट टाइम जॉब्स अलॉट होती हैं, उस चीज़ में मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं लगा, वो ऑन द स्पॉट मेरे को वहीं एयरपोर्ट पे मिल गया। आई थिंक 10 मिनट की लाइन में लगाना पड़ा बस, या तो 10 मिनट की लाइन में लग के वो मेरे को ऑन द स्पॉट मेरे को मिल गया। एंड सबसे अच्छा एक वही था आज का, कि वो सबसे एक अच्छी चीज़ होगी, मेरे को एटलीस्ट सिन नंबर मिल गया, मेरे को सिन नंबर के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा अब। बाकी अभी एक बार रूम टूर देता हूँ। ये एयरबीएनबी का एंट्री पॉइंट है, ठीक है, और ये बस ये इतना सा कमरा है, एक अलमारी, मेरे सूट केसेस, डबल बेड है,
और स्टडी टेबल पे चेयर, दो साइड टेबल्स, एक छोटा सा फ्रिज और एक ये टीवी, और ये भी ठीक है। एक पतला सा छोटा सा मिरर है। तो बस यार आज रहा उससे नंबर का भी नहीं होता ना मेरा, मेरे को तो बल्कि इस चीज़ की भी एक्सपेक्टेशंस थी कि कहीं ऐसा ना हो मैं वहाँ जाऊँ और बैगेज के लिए और बैगेज के टाइम पे वो बोल दें कि आपका जो है बैग एक रह गया, एक मिसप्लेस ना हो गया उसका। तो एटलीस्ट वो नहीं हुआ जिस हिसाब से मेरा आज का दिन जाता था। बाकी हाँ, मैंने वहाँ से ये परफ्यूम लिया था पाको, विच इज़ आई थिंक इट इज़ अ पेरेंट कंपनी ऑफ वर्साचे, और दो चॉकलेट्स ली थी। मस्त बढ़िया, अब हम चॉकलेट और परफ्यूम यूज़ करेंगे। परफ्यूम मेरे को परफ्यूम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए था, मेरे को थोड़ा लाइट चाहिए था, बिकॉज इससे भी अच्छा परफ्यूम था बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, सो आई ऑप्ट फॉर दिस वन। बाकी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।